इस वीडियो में कोई रिव्यू नहीं करने आया हूँ, तो अभी टाइटल में मैंने लिखा है इट इज़ नॉट ए रिव्यू। और बेसिकली इस वीडियो में बात करूँगा अपने एक्सपीरियंस की जब मैं ये मूवी देख रहा था। और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि जैसे कि जब सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, उन्होंने जब सुसाइड किया था, तो बहुत सारे लोग जो हैं वीडियो बना रहे थे, यूट्यूब पर अपलोड कर रहे थे सब्सक्राइबर और व्यूज़ कमाने के लिए। तो एक तरीके से जब मैं ये देख रहा था यार, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि लोगों ने किसी की डेथ का सिर्फ मजाक बना के रख रखा है वहाँ पे। तो एक चीज़ यहाँ पे मुझे खुशी इस बात की है कि जहाँ कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे थे डेथ का, तो यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म पर इनकी जो सुशांत सिंह की जो मूवी है उनको बिल्कुल फ्री जो है वो दिखाया गया, कोई चार्ज नहीं था इसके अंदर। जो सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग चीज़ मुझे ये लगी कि हाँ भाई, अब यहाँ पे कोई गुजर गया है तो उसकी डेथ हो गई है, तो अब उसकी डेथ के ऊपर कोई रुपया नहीं कमाना। एटलीस्ट इन लोगों में इतनी अकल थी। लेकिन भारत की जनता, भारत के जो यूट्यूबर हैं बहुत सारे हैं, सर्च करके देखोगे तो अपने आप मिल जाएंगे कि जब सुशांत सिंह राजपूत जी की जब उन्होंने जब सुसाइड किया, तो कैसे लोगों ने भर भर के यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी। एक उनमें से KRK है, इतनी हिपोक्रेसी है उस इंसान के अंदर। जब सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा थे तब इतनी उनको बुरा भला कहा था, 8 लाख लेने वाला एक्टर को 8 करोड़ रुपए दोगे तो वो ऐसी बकवास एक्टिंग करेगा, ऐसा कुछ अपने वीडियो के अंदर उस इंसान ने कहा था। और ये सब चीज़ें बाकायदा प्रूफ है, मैंने अपने चैनल पर उस इंसान की हिपोक्रेसी दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी और यूट्यूब पर अपलोड की थी, बट वो इतनी चली नहीं। और कुछ और भी लोग हैं, मैं किसी का नाम लेकर क्या बताऊं, खुद समझदार हो, समझ जाना। एक मूवी आई थी द फॉल्ट इन आवर स्टार, ऑलरेडी मैं वो मूवी देख चुका था और उसकी एंडिंग मुझे पता थी। और जब ये मूवी आई दिल बेचारा, मुझे पता था एंडिंग में, इसके ऊपर ट्रेलर में मैंने थोड़ी बहुत बात की थी कि अगर ये सेम टू सेम वही है जो उस बुक के ऊपर आधारित है, जो द फॉल्ट इन आवर स्टार है या जो मूवी है द फॉल्ट इन आवर स्टार, उसके ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम है, तो जो लास्ट की जो एंडिंग है वो कसम से दिल को इतना पसीज के रख देगी कि आप अपनी आंखों से, मतलब वो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे इमोशनल होने से, भावुक होने से, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। और ऐसा होता भी है जब इसकी एंडिंग होती है, खैर उसकी बाद में बात करूँगा। जब मैं अभी फ़िलहाल जब मैं बात करूँगा कि जब सुशांत सिंह की जब इसमें एंट्री होती है इस मूवी में, और जो एंट्री उनकी एक स्माइल के साथ होती है, और जब आप देखोगे ना उनकी स्माइल को, तो आप लोग आपको लगेगा ही नहीं यार अब ये इंसान नहीं है। बार बार दिल में ये ख्याल आ रहा था कि यार अब ये नहीं है, ये मतलब अब इस दुनिया में नहीं है। और मैं सच कहूँ तो जब मैंने परफॉर्मेंस इस मूवी में मैंने किसी की नहीं देखी सिवाय सुशांत सिंह राजपूत की, जब उन्होंने उनकी जो परफॉर्मेंस थी उनको इस मूवी में बहुत जिंदा दिल दिखाया गया। जब भी वो स्क्रीन पर आते एक हंसी हमारे चेहरे पे आ जाती। पर अब इसकी एंडिंग पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अब इसमें स्पॉइलर है, तो अगर किसी ने अगर ये मूवी नहीं देखी है तो जाकर देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कहानी पर बता देता हूँ कि एक किजी बासु नाम की एक लड़की है, उसे एक कैंसर है, उसको एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखना पड़ता है क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है इसलिए। और साथ ही साथ एक मैनी यानी जिसे प्ले किया है सुशांत सिंह राजपूत ने, उसको भी एक कैंसर है, बोन कैंसर है, जिसके कारण उसकी एक टांग जो है वो जा चुकी है। तो मैनी और किजी ये दोनों मिलते हैं, और दोनों मैनी जो है एक तरीके से जहाँ पर एक बहुत जिंदा दिल दिखाया गया, बहुत खुशी बांटने वाला एक इंसान, जब किजी से मिलता है, किजी की लाइफ में वो खुशियाँ भर देता है। और जब पता चलता है कि मैनी को खुद जो कैंसर की वजह से उसकी एक टांग जा चुकी थी, कि उन्होंने सोचा था कि अगर टांग खो जाएगी तो उसका कैंसर सही हो जाएगा, बट कुछ टाइम बाद जब उसका कैंसर वापस आता है, जब मैनी को ये चीज़ें पता चलती है, तो वो खुद टूट जाता है बहुत ज़्यादा। और दिन पर दिन उसकी तबीयत और ख़राब हो रही है, और जब उसकी डेथ होती है मूवी में, वो वाला जो ये जो एंडिंग है ना, यह इसके बारे में क्या क्या बताऊं मैं, मतलब इतना इतना इमोशनल कर देने वाला था वो सब चीज़ें, जब उनकी वो परफॉर्मेंस थी वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की, जो वो परफॉर्मेंस थी वो इतनी कमाल की थी। और मतलब मैं यार वो शब्द नहीं है मेरे पास कि हमें पता है कि वो अब इंसान नहीं है, और उस इंसान की वो आखिरी मूवी है, और उस आखिरी मूवी में वो उस एंडिंग में
अब वो इंसान नहीं रह रहा, तो यार कितना मुश्किल होता है वो चीज़ देखना, कितनी दिल को कितना मतलब कठोर बनाना पड़ता है कि यार ये सब चीज़ें हो रही हैं, ना चाहते हुए भी आंखें नम हो गई थी यार। बस यही कहना चाहूँगा कि जब आप ये मूवी देख रहे होगे तब तो आपको अपना दिल बहुत मजबूत करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप चाह कर भी अपनी आंखों से मतलब आंसू रोक ही नहीं पाओगे। जो दिल से प्यार करते हैं, फेक लोगों की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है, जो दिल से बहुत प्यार करते हैं सुशांत सिंह राजपूत से, वो तो डेफिनेटली ये मूवी देख कर रोने वाले हैं। और जो फेक लोग हैं, आई डोंट थिंक कि भाई उनको कुछ महसूस भी हो, शायद वो वीडियो भी इसीलिए बना देते हैं कि हाँ मूवी बहुत अच्छी थी, ये लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए है। बट जो भी है यार, अभी यूट्यूब पे यार, साथ ही साथ में एक जो चीज़ है बहुत कड़वी है बट सच्चाई है, वो शेयर करना चाहूँगा कि कुछ लोग क्या, भारत की ज़्यादातर जो जनता है वो कैसे अब नेपोटिज्म नेपोटिज्म चिल्ला रही है। असल में जब ये इंसान जब जिंदा था तब अपनी मूवी के लिए ये ट्वीट करता था कि भाई मेरी मूवी थिएटर में जाकर देखो, तब कोई भी इंसान ये नहीं देख रहा था कि हाँ ये टैलेंटेड है, इसकी मूवी थिएटर में जाकर देखनी चाहिए, ये डिजर्व करता है। लेकिन जब वो इंसान नहीं रहा, अब इस दुनिया में नहीं है, तब सभी लोगों को उसकी अच्छाइयाँ उसकी टैलेंट सब एक साथ नज़र आने लगे। इतनी गूंगी बहरी भारत की जनता है कि जब तक कोई मर नहीं जाता तब तक इस बेवकूफ़ जनता को दिखाई नहीं पड़ता कि वो इंसान कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। जब वो इंसान जिंदा था तो कुछ लोग उसे गालियां दे रहे थे, के आर के जैसे कुछ लोग हो गए, इन जैसे बहुत सारे लोग हैं, तब उसे वो गालियां दे रहे थे, उसे कह रहे थे कि इसको एक्टिंग नहीं आती, इतना उसको खराब बता रहे थे। और जब वो मर जाते हैं तो कैसे उसकी सिंपत्ति लेने के लिए वीडियो पे वीडियो बना रहे थे। और यही वो बेवकूफ़ जनता है, उनके इतनी भी अक्ल नहीं है कि वो फेक इंसान उनकी सच में, पता है क्या है, नेपोटिज्म की कोई वो नहीं है यार। तुम सोचते हो कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म अपने ऊपर मत आने दो, हाँ नेपोटिज्म ने सब कुछ किया, नेपोटिज्म ही है इस दुनिया में कि भाई जब सुशांत सिंह राजपूत ने डेथ कर ली, असल में ये भारत की बेवकूफ़ जनता है जिसकी वजह से वो इंसान आज इस दुनिया में नहीं रहा। और हकीकत की बात यह है कि तुम लोगों को घंटा नहीं पता टैलेंट क्या होता है। गुस्सा तो बहुत है यार इस दिल में कि इतनी बेवकूफ़ बहुत। अरे जब से नेट फ्री हुआ है ना, इंटरनेट इतना सस्ता कर दिया, फ्री का मतलब इंटरनेट इतना सस्ता ही कर दिया लोगों के, हर उस C4 उस इंसान के हाथ में मोबाइल है, उसके पास इंटरनेट है, उसे ये तो अक्ल है नहीं कि भी क्या देखना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, किस चीज़ को सपोर्ट करना है। जब वो इंसान जिंदा था जब लोग उसको कैसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, कैसे उसकी मूवी को डिफेम या फिर उसकी मूवी ना देखने के ऊपर वो कैसे अपील कर रहे थे, तब तो ये भारत की जनता शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में अपना सर दबा कर बैठी थी। और जब वो मर गया और अब अपने आप को ऐसे बाहर लेके आ रहे हैं कि अब वो इस देश में से नेपोटिज्म खत्म कर देंगे, सच में तुम्हें जरूरत है अपने दिमाग के इलाज की। जब तक तुम नहीं बदलोगे ना तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। मेरी नज़र में सच कहूँ ना, नेपोटिज्म होता है कहीं ना कहीं, वो गलत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गलत है वो भारत की जनता है, जिन्होंने जिनको पता भी नहीं है कि वो किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं, उन्हें टैलेंट की रत्ती भर भी कदर नहीं है। मानो ना मानो, तुम लोगों को बिल्कुल पता नहीं कि टैलेंट क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही था यार, अच्छी तो नहीं लगेगी मुझे पता है तुम लोगों को वीडियो, क्योंकि इंसान अपनी बुराई नहीं सुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सही है, वो अपने अंदर कोई कमी नहीं देखता है, उसे उसे पता ही नहीं चलता जब तक उसे कोई बताए नहीं, और जब उसे कोई बता दे तो उसे बुरा लगने लग जाता है। मुझे पता है कि तुम लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई होगी, तो नहीं आई होगी तो नहीं आने दो यार, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो मेरे दिल में जो भड़ास है वो तो मैं निकालूंगा, और आज मैं खुलकर, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है इसके अंदर, हाँ कुछ कट्टे कह रहे हैं क्योंकि मुझे मुझे नहीं पता होता कब क्या बोलना होता है, जब दिल में एकदम भड़ास आती है तब मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, अनस्क्रिप्ट है, जो दिल में आया वो बोल दिया मैंने, और सच में रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ मैं। बाहर में जाओ तुम लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोगों से, जो ये वीडियो डिसलाइक करता है, नीचे कमेंट में जो गालियाँ लिखता है, कोई मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोगों की खुद की कोई सोच नहीं है यार। यार बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, जय हिंद।